अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे सिलेक्शन करवाना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर का सिलेक्शन, ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर का सिलेक्शन। अब आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ऑनलाइन में जब आप किसी टॉपिक का नाम लिखते हो ना, आपको हजारों लेक्चर्स मिल जाते हैं, हजारों लेक्चर्स। किसी कोचिंग सेंटर में भी जाओगे ना, तीनों सब्जेक्ट के अच्छे टीचर मिलने नामुमकिन है, मतलब ना के बराबर आपको चांस है। कोई एक टीचर बहुत ज्यादा फेमस होगा, बस उसी के नाम पे कोचिंग चल रहा होगा। मैंने बहुत बार देखा है, 10 साल निकाल दिए इस इंडस्ट्री में, एक टीचर जो अच्छा पढ़ाता है, बच्चे बाहर आके यही बोलते हैं, अरे यार फिजिक्स ही अच्छा है, बायो और केमिस्ट्री में तो ऐसी तैसी है, यही बोलते ना तुम लोग आके, ऐसी फीस दे दी सिर्फ फिजिक्स ही अच्छा था, ऐसी फीस दे दी सिर्फ केमिस्ट्री अच्छा था, बाकी सब में तो है ही नहीं कुछ, ऐसे बुरे गत हैं। तो तुम जाके एक टीचर के चक्कर में बाकी दो सब्जेक्ट की फीस भी देनी पड़ती है तुम लोगों को, क्योंकि कोचिंग की मोनोपोली है। अब मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपकी मनमानी है यार, आप जिससे पढ़ना चाहते हो पढ़ो। अब आप वाइजली टीचर्स को चुनो, यूट्यूब एक खुला प्लेटफॉर्म है यार, खुले सांड के जैसा प्लेटफॉर्म है, जब घूमो अपना टीचर ढूंढो, जो टीचर आपको अच्छा लगे उससे पढ़ो, और पढ़ के एक ही टीचर को चूज करो। कई बच्चे तो 10 टीचर को फॉलो करते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जिस वक्त तुम्हें एक टीचर पसंद आ गया, तुम्हें लगा कि मेरा मुझे इसका समझ में आ रहा है, मैं इसी को फॉलो करूंगा, मेरे को और किसी टीचर को देखना नहीं है। तो टीचर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने गुरु को चुनो, क्योंकि गुरु आपको राह दिखाता है। छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। जिस दिन आप बड़े हो जाओगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ शायद कभी जिंदगी में जाओ, तो गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट सीढ़ी होता है अपनी जिंदगी के लिए। एक बार जब चुन लिया तो अपने आपको उसको समर्पित कर दो। आप कभी सुने हो अमिताभ बच्चन को? मैं आपको उसकी लाइन सुनाता हूं। अमिताभ बच्चन लेजेंड है, कितनी फिल्में कर चुके हैं, उसको एक्टर ऑफ मिलेनियम, हीरो ऑफ मिलेनियम कहते हैं, ठीक है। उससे बड़े बादशाह शहंशाह कोई है ही नहीं। लेकिन वो खुद बोलते हैं कि जिस वक्त मैं किसी डायरेक्टर को चुन लेता हूं कि मुझे इसकी मूवी करनी है, जिस वक्त मैं किसी स्क्रिप्ट को चुन लेता हूं, आमिर खान भी यही बात बोलता है, उसके बाद मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं उस डायरेक्टर को, अब वो जो बोलता है मैं वो करता हूं। तो मैं पहले कहता हूं आप टीचर को वाइजली चुनो, वाइजली चुनने के बाद उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। तो पहला सिलेक्शन आपका है, उसके बाद वो टीचर का है। तो टीचर्स को बहुत वाइजली चुना करो।